हेलो एवरीवन, जैसे जैसे आरआरबी एंटी ग्रेजुएट लेवल की एंड डेट पास में आ रही है, कंफ्यूजन और बढ़ रहा है कहाँ से फॉर्म भर दिया जाए और पिछली बार का ऑथेंटिक डेटा क्या था। अगर जनरल एससी ओबीसी सबका अलग अलग मैं आपको डेटा दिखा दूंगी तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से हमें जोन चुनना चाहिए। और ये सब 2019 का जो पेपर हुआ था उसका बिल्कुल कट ऑफ ऑथेंटिक डेटा है। एक बार मैं आपको पहले लेवल 5 और लेवल 6, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल में यही दोनों लेवल आते हैं, पहले मैं आपको इन दोनों लेवल की कट ऑफ्स क्या गई थी और कौन कौन से कैटेगरी में कितनी गई थी, टॉप 5 डेंजरस जोन कौन से थे और टॉप 5 वैकेंसीज का कंपैरिजन दिखा देती हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या था कि आप अगर यू आर जनरल के बारे में देखें लेवल 5 में अगर, ठीक है, तो लेवल 5 में सबसे ज़्यादा ये टोटल मिला के टोटल वैकेंसीज थी लेवल 5 में पूरी कैटेगरी में मिला के, तो वैकेंसी सबसे ज़्यादा मुंबई में थी, फिर चेन्नई में, फिर सिकंदराबाद में, फिर कोलकाता में, फिर चंडीगढ़ में। और आप यहाँ हाईएस्ट कट ऑफ देख सकते हैं, तो कट ऑफ गई थी इलाहाबाद की, अजमेर की, रांची की, मालदा की और पटना की। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप बोलेंगे कट ऑफ, देखिए अगर वैकेंसी ज़्यादा हैं क्या चांसेस होते हैं कि कट ऑफ कम जाए, ये दो फैक्टर मैटर करते हैं कि जो वैकेंसी जहाँ ज़्यादा हैं वहाँ क्राउडेड एरिया, अगर बहुत कॉम्पिटिशन क्राउडेड एरिया है तो वहाँ की कट ऑफ तो और हाई चली जाएगी, क्योंकि तो लोगों को और मौका मिल जाएगा अपने घर के पास जॉब करने का और वहाँ की जनसंख्या पहले ही जा। लेकिन अगर मैं यहीं पे मुंबई की बात करूँ, चेन्नई की बात करूँ और सिकंदराबाद, कोलकाता, चंडीगढ़, आप देख सकते हैं वैकेंसीज इसमें ज़्यादा है लेकिन कट ऑफ जा रही है इलाहाबाद की, हाई अजमेर की, रांची की, मालदा की, पटना की। तो आपको इससे एक बात समझ में आई कि अगर कुछ ऐसे जोन्स हैं जैसे कि ये वाले जोन्स, इनमें अगर वैकेंसी ज़्यादा होती है तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि ये टॉप 5 डेंजरस जोन में नहीं है। और इनकी मैं ओवरऑल कट ऑफ भी दिखा दूंगी सभी जोन्स कि इनकी कितनी थी, यानी इसकी अपेक्षा मुंबई की कट ऑफ में कितना डिफरेंस है। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ लेवल 5, ये लेवल 5 की वैकेंसीज थी, अहमदाबाद 294। अच्छा एक बात बताइए, इलाहाबाद की जो कट ऑफ इतनी हाई गई थी इसमें 786 वैकेंसीज, ऐसा नहीं है बहुत कम थी, जैसे हाईएस्ट मुंबई की थी ना तो मुंबई में 2108 थी, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे अगर आप हाईएस्ट जोन देखें किसका गया है, अजमेर गया है इलाहाबाद के बाद, और इधर चेन्नई में 1665 थी, इधर 1500, मतलब वैकेंसीज इलाहाबाद से और इनसे तो ज़्यादा ही थी। अच्छा अजमेर, रांची, मालदा, पटना, इन सब की वैकेंसीज देख लेते हैं, अजमेर में कितनी थी, बोलेंगे मैम अगर अजमेर की बात करेंगे इसमें भी 786, इसमें भी। तो मालदा में कितनी थी, आप बोलोगे मैम मालदा में 565 थी, ठीक है। अच्छा इसके बाद अगर हम बात करेंगे पटना में कितनी थी, तो पटना में देखोगे बोलोगे मैम 661 थी, कहीं ना कहीं 1000 के नीचे वैकेंसी। तो आपने ये देखा जहाँ पर क्राउडेड एरियाज हैं और वैकेंसीज कम है वहाँ की कट ऑफ हाई गई है, जहाँ वैकेंसीज ज़्यादा है वहाँ कट ऑफ थोड़ी कम जाने के चांसेस रहते हैं, लेकिन बशर्ते वो जोन इलाहाबाद नहीं होना चाहिए। कि अगर इलाहाबाद में ज़्यादा आएंगी, पटना में ज़्यादा आएंगी, रांची झारखंड में ज़्यादा आएंगी, ये एक ऐसे एरिया है जहाँ के लोगों को गवर्नमेंट जॉब हो, रेलवेज हो, या क्राउडेड एरिया हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं बड़े राज्यों ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में चाहे आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हो फिर भी कट ऑफ वहीं की हाई जाती है। लेकिन अगर सिकंदराबाद की बात कर लें, अगर मुंबई की बात कर लें, ठीक है, अगर कोलकाता, इनमें वैकेंसी ज़्यादा है, सिलेक्शन के चांसेस हमारे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेरी बात क्लियर है? चलिए अब मैं आपको टॉप 5 जो रिस्की जोन है उनमें देखते हैं। ये 5 हमने देख लिए यहाँ पे, जिसमें से रांची झारखंड आ गया, ये पटना बिहार आ गया, मतलब वो यूपी झारखंड बिहार, भैया बिहार का ही तो हिस्सा निकल के, वो राजस्थान, ये सब पब्लिक एरियाज हैं। यूआर के बाद मैं आपको कट ऑफ दिखाती हूँ ओबीसी की, कट ऑफ गई थी ओबीसी की भाई अजमेर इलाहाबाद, बस ऊपर नीचे हो गया और वो भी पॉइंट का फर्क है, आप देख सकते हो, ऐसे तो कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता है। मालदा में यहाँ की भी, रांची, बस बंगलौर जो इधर वाला था वो इधर आ गया बंगलौर वाला। अब आप देखोगे यहाँ पे पीछे बंगलौर था, नहीं बंगलौर नहीं था, चंडीगढ़ ही था, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बंगलौर भी जितने भी साउथ का स्टूडेंट है सबसे पहले बंगलौर को प्रेफर करता है। और जो बंगलौर में अगर आप ये देखोगे वैकेंसीज कितनी थी, चलो एक बार देख लेते हैं भाई, बेंगलोर में 817 वैकेंसीज, मतलब 817 वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम नहीं थी, लेकिन साउथ का स्टूडेंट बेंगलोर को टारगेट करता है। मैंने आपको बोल दिया जहाँ भी ज़्यादा टारगेट होगा उस पर्टिकुलर जोन का, तो जोन की कट ऑफ हाई हो जाती है।
तो अगर आप इसमें ओबीसी की बात करेंगे, बस ये बेंगलोर नया आ गया, बाकी रांची, मालदा, इलाहाबाद, अजमेर, क्यूआर में भी, जनरल में भी सेम है, इसमें भी सेम। अच्छा एक बात और होती है, ये भी हो सकता है कि बेंगलोर में जो ओबीसी की वैकेंसी हो वो थोड़ी कम हो, तो इस बात का भी असर पड़ता है। वैसे तो जहाँ वैकेंसी ज़्यादा होती है वहाँ ओबीसी की भी ज़्यादा है, यूआर की भी ज़्यादा है, एससी की भी ज़्यादा है, फिर भी कभी कभी जैसे किसी जोन में ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे ओबीसी की थोड़ी कम है, दूसरे जोन में ओबीसी की थोड़ी ज़्यादा है, इस बात का अंतर पड़ जाता है। ठीक है, चलिए अभी हम एससी की बात करें तो एससी की कट ऑफ इलाहाबाद में, यहाँ भी, अजमेर यहाँ भी, मालदा यहाँ भी, बेंगलोर यहाँ भी, बस कोलकाता उधर से यहाँ आ गया। अब ऐसा हो सकता है कि कोलकाता में जो वैकेंसी एससी की रही हो वो थोड़ी कम रही हो। ये भी रीज़न होता है कि जब आप अपनी कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो आप अपनी कैटेगरी में वैकेंसीज देख लें, जिस जोन में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है आपकी कैटेगरी में कम तो नहीं है, ये भी कभी कभी रिस्क बना देता है। ठीक है, बाकी आप मुंबई, चेन्नई, सिकंदराबाद, कोलकाता, चंडीगढ़, फुल वैकेंसी इसमें ज़्यादा थी। तो हमें एक बात समझ में आई, इलाहाबाद हुआ, अजमेर हुआ, मालदा हुआ, ये सब तो थोड़े रिस्की जोन चल ही रहे हैं, स्पेशली इलाहाबाद और अजमेर तो अभी तक चल ही रहे हैं, तो ऐसी में आ गए। अब मैं 2000 लेवल 6 की बात करती हूँ, लेवल 6 में क्या कट ऑफ थी। चलिए अगर मैं रांची के कट ऑफ की बात करूँ तो आप देख सकते हो 85 यूआर की, एससी की 70, एसटी की 65, ओबीसी की 82, मतलब ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं ओबीसी और, ईडब्ल्यूएस की 77, एक्स सर्विस में 40.0, और आप चेन्नई की देखेंगे तो चेन्नई की 74.81, सिकंदराबाद की 79, मतलब अगर इन दोनों में देखेंगे तो 11 नंबर का फर्क है चेन्नई और रांची में, काफ़ी अंतर हो गया। ये मुंबई भी अच्छा खासा कट ऑफ गई थी, मतलब लेवल 6 की, बेंगलोर में भी कट ऑफ ठीक ठाक है, इलाहाबाद में तो आप देख ही सकते हो क्या हालात है, 88 पॉइंट ये गई थी। आप सबसे पहले देखने अजमेर में भी देख लो अच्छी खासी है, कोलकाता में, पटना में, मतलब आपको एक बात समझ में आ गई कि ये वाले जोन जो है, जैसे कोलकाता हो गया, जबकि कोलकाता में वैकेंसी बहुत कम नहीं थी पिछली बार, ये नहीं बोलेंगे बहुत कम थी, लेकिन कोलकाता, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, ये कहीं ना कहीं, और रांची, ये कहीं ना कहीं पिछली बार की अगर हम कंपैरिजन करें तो इनकी कट ऑफ हाई रहती है, जबकि इनमें वैकेंसी बहुत कम नहीं। चलिए अब मैं अगर आपके आपको बताती हूँ आगे भी देखें, अगर भुवनेश्वर की बात करोगे सही कट ऑफ थी, मुजफ्फरपुर की बात करोगे सही थी, बिलासपुर की कम है भाई, सिलीगुड़ी की कम है उतनी 70s में, मालदा की हाई थी, वैकेंसीज कम होती है, गोरखपुर की हाई है, भोपाल की हाई है, जम्मू कश्मीर की लो है, तिरुवनंतपुरम की लो है, तो मतलब जहाँ पे वैकेंसी कम है बहुत, तिरुवनंतपुरम जैसा हो गया, बट अगर वो छोटा इलाका है जहाँ पे क्राउड कम है तो वहाँ के स्टूडेंट्स को तो अपने ही डालना चाहिए, वो उनके लिए बेस्ट होता है। मैंने अभी आपको केवल और केवल ये कट ऑफ्स का कंपैरिजन दिखा रही हूँ सभी में। अब आप देखो लेवल 6 में अगर यूआर की कट ऑफ में जाओगे तो वैकेंसीज कहाँ ज़्यादा थी, बेंगलोर में सबसे ज़्यादा, फिर सिकंदराबाद, फिर मुंबई, फिर चेन्नई, फिर अजमेर, ये थी सबसे ज़्यादा। अब देखो जब बेंगलोर में वैकेंसी ज़्यादा थी तो बेंगलोर इधर देखिए रिस्की जोन से हट गया, मतलब जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। उसके बाद सिकंदराबाद तो वैसे भी अभी तक नहीं आया, मुंबई तो आया ही नहीं है, चेन्नई तो आया ही नहीं, अजमेर में जैसे ज़्यादा वैकेंसी हुई आप देखिए अजमेर वहाँ टॉप में था ना, यहाँ से अजमेर हट गया। तो इससे एक बात आपको समझ में आती है कि जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा होती है वहाँ थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक अजमेर इस वाले जोन में चल रहा था लेकिन जैसे टॉप 5 वैकेंसीज में आया, मतलब वैकेंसी ज़्यादा थी, तो अजमेर यहाँ पे रिस्की जोन में नहीं आया, मतलब टॉप 5 वैकेंसी, टॉप 5 कट ऑफ में नहीं है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि जहाँ कट ऑफ, जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ कट ऑफ थोड़ा सा कम रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो इलाहाबाद तो अभी भी है, पटना, रांची, ये सब तो अभी भी बने हुए हैं, मुजफ्फरपुर और कोलकाता, मतलब कोलकाता और बेंगलोर फ्लक्चुएट चल रहे हैं, क्योंकि कोलकाता यहाँ से गायब हो गया, यानी लेवल 6 में कोलकाता में वैकेंसीज कम होंगी इसलिए वो इधर आ गया। अजमेर में टॉप यहाँ पर अगर आप देखोगे लेवल 6 की ज़्यादा थी, वैकेंसी गायब हो गया, ज़्यादा वैकेंसी ज़्यादा चांसेस, सीधा बात ये है। ठीक है, मतलब कट ऑफ थोड़ी सी कम। अब आप इसमें देखिए लेवल 6 में ओबीसी की मैं आपको कंपैरिजन कराती हूँ, इलाहाबाद, पटना, रांची, मालदा, भोपाल, लगभग 4 तो ये सेम ही है हर बार, भोपाल और आ गया। अब यहाँ पे जब अजमेर, चेन्नई, इनमें से कोई भी रिस्की में नहीं आएगा क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। अब आप एससी में देखिए कोलकाता, इलाहाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, मालदा, यहाँ थोड़े से चेंजेस आए हैं, मतलब इलाहाबाद, कोलकाता तो सेम ही है, भुवनेश्वर एक नया सा देखने को मिल रहा है, क्या होगा यहाँ पे, एससी की वैकेंसी जोन्स में थोड़ी कम होंगी, जिसमें एससी की वैकेंसीज कम होंगी वहाँ पे उनकी कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ गई होगी। तो इससे हमें एक बात समझ में आई कि मैम अब जो नए स्टूडेंट वहाँ से क्या अप्लाई करना चाहिए,
तो केवल मैंने आपको लेवल 5 और लेवल 6 की बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके बारे में, ये है वैकेंसीज का डेटा जो इस बार है। इस बार कौन कैसे फिल करेगा, देखिए पहला स्टेप मैं आपको बता देती हूँ। जिस भी इंसान का, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इन इन वैकेंसी इन वाले उसमें आते हैं, इसमें इनमें कंप्लीट में, और इसमें मैं आपको थोड़ा सा बोल दूं तो रांची हटा दूं, अगर अगर आपको लगता है, देखिए रांची बस, बाकी तो कोई बहुत रिस्की नहीं है बहुत। अगर आप इनमें से किसी भी जोन से बिलोंग करते हैं, कोलकाता, मुंबई, भुवनेश्वर, बिलासपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, बेंगलोर, सिकंदराबाद, चेन्नई, चंडीगढ़, अगर आप इनमें से किसी भी जोन से बिलोंग करते हैं तो अपने ही जोन से फॉर्म फिल करिए, क्योंकि गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता कहाँ की कट ऑफ बढ़ जाए कहाँ की कम चली जाए। कम से कम अपने ही जोन में डालना बेस्ट है, क्योंकि आपका जोन ऐसा जोन बहुत हमेशा रहता हो। जैसे रांची वाले को मैंने क्लोज कर दिया कि हाँ भाई यहाँ वैकेंसीज इसकी अपेक्षा काफ़ी कम हो गई, रांची, पटना, इलाहाबाद, गोरखपुर, अगर इनमें वैकेंसी कम है तो सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो रांची वाले देखो, जिनको लगता है मैं मेहनती हूँ, कट ऑफ से कोई मतलब ही नहीं है, उनके लिए तो ये है ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने जोन से ही अप्लाई करेंगे। लेकिन जिनको लगता है कि मेरे जोन में वैकेंसी कम है, मैं थोड़ा रिस्क में होता हूँ, मैं कहाँ से फिल करूँ, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए, ठीक है। अब मैं आती हूँ जैसे पीछे, अगर इसमें जैसे अब मैं बोलूँ भाई मालदा वाले लोग हैं, मालदा वाले अपनी तरफ से भर दें कोई इशू नहीं, सिक्किम वाले अपने में भर दें कोई इशू नहीं, बट अब इससे जम्मू वाले अपने से भर दें कोई इशू नहीं, है ना, शिलीगुड़ी वाले अपने से भर दें कोई इशू नहीं। अब लेकिन जो जितने जोन बचे ये अपने से भर देंगे, कोई इशू नहीं होगा क्योंकि बहुत क्राउड नहीं है। अब ये जो जोन बच गए, भोपाल, प्रयागराज, अजमेर, गोरखपुर, पटना, मुजफ्फरपुर और पीछे जो रांची है, अगर ये लोग सोच रहे हैं कि मैं अपने जोन क्योंकि वैकेंसी कम है तो भरूं कहां से, मैं आपको देखो एक चीज बताती हूँ कैसे कंपैरिजन करना। देखना कि जैसे आपको भरनी है, मान लीजिए आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली बात है यूआर में तो सबसे ज्यादा इसी में, अब आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ये भी सेम वही है, अब मान लीजिए आप बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस से तो इसमें भी वही है, एससी से बिलोंग करते हैं तो भी मुझे लगता है वैकेंसीज का जो क्रम है वो लगभग सेम ही है। फिर तो एसटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा से थोड़ा 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 ये भी लगभग सेम, और अगर टोटल की बात करूं फिर तो इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल सबकी वैकेंसीज ऐसे ही सेम लगी हुई है, ज्यादा से कम की हो ज्यादा से कम, मतलब सभी जोन्स में अगर ज्यादा है तो सबकी ज्यादा है, तो यहाँ एससी, ओबीसी, एसटी, यहाँ तो ये कोई फर्क पड़ता नहीं है, मतलब अगर कोलकाता में ज्यादा है तो सबके लिए ज्यादा है। तो आपको कहाँ से भरना चाहिए, तो देखिए अब टू चॉइसेस हैं आपके पास, कैसे, जैसे मान लीजिए आप ऐसे किसी स्टेट को बिलोंग करते हैं आपके पड़ोस वाले में, जैसे आप मान लीजिए यहाँ रांची में सुटेबल नहीं बैठ पा रहे, तो आप ये देखो इन टॉप फाइव में से, या मैं आपको टॉप फाइव में से भी अगर बताऊं, जैसे वन नंबर ये, टू नंबर ये, है ना, भुवनेश्वर तीन और बिलासपुर चार, है ना, और अगर मैं सिकंदराबाद की बात करूँ पाँच और चेन्नई छः, आप इनमें से अपना कोई भी जोन, तो आपको लगता है देखो चेन्नई की कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगी, सिकंदराबाद की नहीं जाएगी, है ना, बिलासपुर की भी नहीं जाएगी, मुंबई की भी, कोलकाता हो सकता है बहुत ज़्यादा फॉर्म भर जाए तो एक बार को मैं थोड़ा सा ये हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग भर दें तो भी कट ऑफ हाई हो जाता है, लेकिन फिर भी वैकेंसी ज़्यादा है तो चांसेस थोड़े ज़्यादा ही रहेंगे। अब आपको ये डिसाइड करना है इनमें से, देखिए फर्क भी रहेगा तो एक एक दो दो तीन तीन नंबर का रहेगा, 10-11 नंबर का फर्क इन वाले जोन से नहीं रहेगा, और 2-3 नंबर का फर्क तो ना मैं बता सकती ना कोई टीचर, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो समझदारी इसमें कि मेरे जो, जैसे ये जो रांची वाले और पीछे वाले मैंने बताए थे उनको अपना जोन स्विच करना है, तो ये देखें मेरे स्टेट से पास में कौन सा स्टेट है, जो जो मैंने बताए हैं इन छः में से जो भी आपके पास में है तो आपको सुटेबल लगता है कि मेरे पास में, जैसे चेन्नई है, यूपी बिहार का बच्चा चेन्नई लैंग्वेज में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एक बार को वो मुंबई में कर लेगा, एक बार को उड़ीसा भुवनेश्वर में कर लेगा, बिलासपुर में कर लेगा, है ना, वहाँ छत्तीसगढ़ में कर लेगा, तो ये उसके लिए सही रहेंगे ये वाले जोन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने जोन्स को ऐसे फिल कर सकते हो, है ना। आंध्रा में भी मुझे लगता है थोड़ा दिक्कत आएगी, आंध्रा में भी, चेन्नई में भी, क्यों ना इन वाले जोन्स को भर दिया जाए, जैसे भुवनेश्वर हो गया, मुंबई हो गया, बिलासपुर हो गया, सिकंदराबाद। अब आपको लगता है नहीं मैं इस वाली लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहूंगा, तो आप उस वाली लैंग्वेज में कंफर्टेबल अगर रहेंगे, सर्वाइवल रखते हैं, तो आपके लिए फिर तो भाई चेन्नई भी सही है और सिकंदराबाद भी सही। तो आप इस तरीके से ऊपर के इन चार जोन में से कोई सा भी जोन में ज़्यादा फर्क जाएगा तो दो दो तीन तीन आप बहुत बड़ा गैप देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप अपने जोन का सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट हो वीडियो में, जब वीडियो के बाद रिलेटेड
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तो उससे रिलेटेड आपको वो जो जो भी अपडेट होगी वो कोशिश करो आपको शॉर्ट या वीडियो शेयर कर दूँ। बाकी ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है, आप इस पर 100% बिलीव कर सकते हैं। सो मच।